हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चावल की फिरनी बना रही हूँ। मीठी फिरनी होती है, ये खीर के जैसी होती है पर खीर से भी ज़्यादा टेस्टी होती है। इसी फिरनी बहुत ही इजी रेसिपी है, तो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ रेसिपी। फिरनी बनाने के लिए मैंने चावल ली हूँ। चावल को मैं धो करके और इसे एक बार मिक्सर ग्राइंडर में चला ली हूँ, जिससे चावल के दाने इस तरह से छोटे छोटे दाने कर लेने हैं। देखिए जिस तरह से मैं दाने की हूँ, इस तरह से चावल को आपको अच्छे से धो करके और उसके बाद इसको एक बार मिक्सर ग्राइंड में चला करके इसके छोटे छोटे दाने कर लेने हैं आपको। और ये मैं एक कप चावल ली हूँ, तो इसमें मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ। मैं पैन गरम करके 1/2 लीटर दूध पैन में डाली हूँ। इसे आपको हाथों से चलाते हुए और 1/2 लीटर दूध को आपको सुखाना है, ताकि दूध थोड़ा ठीक हो जाए, गाढ़ा होने लगे और इसका फ्लेवर बढ़ता है इस तरह से सुखा करके फिरनी में डालने से। तो आपको इस तरह से हिलाते हुए दूध को सुखा लेना है। और ये 1 लीटर दूध में मैं 1/2 लीटर दूध को सुखा रही हूँ। 1/2 लीटर दूध मैं अलग से रखी हूँ। इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर मिक्स करूँगी, इससे फ्लेवर और कलर बहुत ही खूबसूरत आता है फिरनी का। तो ये 1/2 लीटर ठंडा दूध है, इसमें मैं 2 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर वाला ये मिक्स करूँगी। अब वनीला फ्लेवर वाला डालिएगा, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसे आपको अच्छे से कच्चे दूध में मिक्स कर लेना है, अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है दूध में। जो दूध हम लोग सुखाने के लिए रखे उसमें बाद में इसे ऐड करेंगे, अभी नहीं ऐड करना है। देखिए इसे कस्टर्ड पाउडर को दूध में मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। कलर बिल्कुल वनीला का येलो येलो कलर आ गया है। इसे अभी हम साइड रखते हैं और दूध देखते हैं मेरा कितना ठीक हुआ है। देखिए दूध चलाते हुए ठीक हो गया है, ज़्यादा आपको ठीक नहीं करना है। इसमें चावल डाल के पकेगा तो ये धीरे धीरे खुद ही और भी सूखता जाएगा, इसलिए ज़्यादा ठीक आपको नहीं करना है। देखिए दूध मेरा हल्का सूख गया है, मलाई जमने लगा है, तो इसमें मैं चावल डालती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके चावल डालते हुए मिक्स करते जाना है। चावल पकते पकते दूध और भी आपका ठीक हो जाएगा। चावल के दाने को याद रखिएगा, खड़ा चावल नहीं लेना है, उसे एक बार आपको ग्राइंडर में पीस करके बारीक थोड़ा महीन करके चावल को लेना है। अब इसे धीरे धीरे आपको चलाते हुए मीडियम आंच पे पकाना है। इसमें मैं 2 से 3 इलायची को अच्छे से क्रश कर ली हूँ, क्रश करके डाल दी हूँ। आप इलायची की जगह इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये खड़ी इलायची को ही अच्छे से क्रश करके डाल दी हूँ। अब देखिए मेरी फिरनी थोड़ी धीरे धीरे ठीक होने लगी है। अभी जो कस्टर्ड मिल्क हम लोग साइड में बना के रखे थे, अब इसे साथ में ही ऐड करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हुए ऐड करते जाना है। कस्टर्ड मिल्क डालिएगा तो इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप भी ज़रूर इस तरह से बना के ट्राई करिएगा। इसे चलाते हुए मीडियम आंच पे आपको पकाना है और चीनी अभी आपको नहीं डालना है। चीनी जब डालना होगा मैं बताऊंगी। इस प्रोसेस में आपको चीनी नहीं डालना है, थोड़ा दूध को ठीक होने दे, चावल पकने दे। 10 मिनट इसी तरह 10 से 15 मिनट मैं इसे मिलाते हुए चलाते हुए पकाऊंगी। मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, किशमिश, काजू, आलमंड्स, इसे मैं क्रश करके डालूँगी फिरनी में। थोड़ा क्रश करके डालूँगी और बाद में ऊपर से थोड़ा खड़े ड्राई फ्रूट्स से डेकोरेट करूँगी। लेकिन ड्राई फ्रूट्स मैं इस तरह से ज़्यादा नहीं, हल्का सा कि ये कर ली हूँ, चॉप कर ली हूँ। ड्राई फ्रूट्स को मैं खीर में ऐड कर रही हूँ। इसे इस वक्त ऐड करने से इसमें फ्लेवर आता है इस ड्राई फ्रूट्स का, बहुत ही अच्छा। इसे इस तरह से चलाते हुए आपको थोड़ा ठीक करना है। जब तक ठीक नहीं हो इस तरह से चलाते रहना, ताकि अगर चलाइएगा नहीं तो ये चिपक जाएगा। इसे चलाते हुए इसे पकाना है आपको जब तक इस देखिए ठीक ना हो। अभी मेरा हल्का ठीक हुआ है, चावल पकने लगा है, अभी आपको पकाते रहना है। देखिए इसे पकाते पकाते चलाते हुए पकाते पकाते कितना ये ठीक हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही इसे फिरनी को रखना है, बहुत ही अच्छे से ये ठीक हो गया। अब मैं 1 गिलास चावल ली थी, तो सेम गिलास से ही मैं 1 गिलास के करीब चीनी डाल दी हूँ। इस प्रोसेस में आपको इसमें चीनी ऐड करना है। चीनी ऐड करके आपको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देना है।
बिल्कुल मेरा फिनिश ठीक हो गया है, कलर भी बहुत खूबसूरत आया है, स्मेल भी बहुत अच्छा हो रहा आ रहा है। और इसमें है ना और भी स्मेल फिनी में एक और इंग्रेडिएंट डाला जाता है जिससे फ्लेवर और स्मेल बहुत ही अच्छा आता है। मैं ये केवड़ा वाटर डाल रही हूँ, केवड़ा वाटर एक चम्मच के करीब डालूंगी, एक चम्मच या आधा करीब के केवड़ा वाटर में ऐड की हूँ। अब इसे अच्छे से आपको चीनी पिघल जाए तब तक आपको 5 मिनट और पका लेना है, और इसके बाद इसे आपको फ्रीज में निकाल के रख देना है ताकि ठंडा हो जाए। तो ठंडा ठंडा आप फ्रीज में ठंडा करके तो उसके बाद आप इसे सर्व करके खाए, बहुत ही टेस्टी लगता है ठंडा होने के बाद। देखिए बिल्कुल इसमें चीनी भी मेल्ट हो गया है और चावल भी मेरा अच्छे से पक गया है और ये ठीक हो गया है। अब गैस को मैं ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए फ्रीज में निकाल के रखती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। पीनी मेरी बिल्कुल अच्छे से रेडी है, अब इसे मैं कटोरे में निकालती हूँ, निकाल के फिर मैं इसे फ्रीज में रख दूंगी। ठंडा होने के बाद इसे ठंडा ठंडा खाऊंगी, बहुत ही टेस्टी, ठंडा खाने से बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो गर्म भी इसे खा सकते हैं, इसे आप रोटी या पूड़ी पराठे के साथ खाए, बहुत ही टेस्टी लगता है। बिल्कुल आपको इतना ठीक रखना जितना मेरा है, इतना ठीक रखना है, फिर ये ठंडा होने के बाद और भी ठीक होता है जम करके। अब इसे मैं बॉल में निकाल लेती हूँ। देखिए मैं बॉल में इसे अच्छे से निकाल ली हूँ, इसे ऊपर से आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स के साथ, ड्राई फ्रूट्स आप जो चाहे डाल सकते हैं इसके ऊपर। इसे मैं बॉल में निकाल ली हूँ, अब इसे मैं फ्रीज में रख दे रही हूँ। आप ड्राई फ्रूट से ऊपर से डेकोरेट कर दीजिए, अब फ्रीज में रख के आप इसे ठंडा ठंडा खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और इस फिनी को ज़रूर आप भी रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगता है खाने में। अब इसे चिल करके आप आराम से इसे इंजॉय करें। थैंक यू।